पाकिस्तान में एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आपको सत्ता में आना है या सत्ता में टिके रहना है तो आपके सर पर अल्लाह, आर्मी और अमेरिका का हाथ होना बहुत जरूरी है। संकट से घिरे पाकिस्तान में आज ये तीनों ही फैक्टर क्रिकेटर से राजनेता और फिर वहाँ के प्रधानमंत्री बने इमरान खान के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति, हर मोर्चे पर इमरान खान चित है। वहाँ के सेना प्रमुख बाजवा ने तो पैरेलल सरकार चलाकर संकेत भी दे दिए हैं कि सैन्य तख्तापलट की बस औपचारिकता बाकी है, नहीं तो सरकार वही चला रहे हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान से खुश नहीं। पाकिस्तान जिस तरह से चीन के प्रति झुकाव दिखा रहा है उससे अमेरिका काफी नाराज है। लेकिन इन सबसे ऊपर इमरान खान के सर पर जो सबसे बड़ी चुनौती लटक रही है वो है मौलाना फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की। 66 साल के मौलाना ने इसी महीने इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद तक आजादी मार्च का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि ये मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान सरकार चली नहीं जाती। मौलाना के आजादी मार्च को लगभग सभी विपक्षी पार्टी समर्थन दे रही है क्योंकि पाकिस्तान में आम आदमी महंगाई से काफी परेशान है और हर कोई चाहता है कि जनता के असंतोष को भुना लिया जाए। अगर फजलुर रहमान की बात करें तो दोस्तों, फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी सुन्नी कट्टरपंथी दल जमियत उलेमा इस्लाम यानी JUI के चीफ हैं। उनके पिता खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के CM रह चुके हैं। वहाँ की सियासत में उनके परिवार का खासा प्रभाव है। मौलाना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी विपक्ष के नेता रह चुके हैं। वहाँ की विदेश नीति पर स्टैंडिंग कमेटी के चीफ और कश्मीर कमेटी के मुखिया भी रह चुके हैं। हालांकि उनको तालिबान समर्थक माना जाता है लेकिन कुछ सालों से वो अपने को उदारवादी होने का दावा कर रहे हैं। मौलाना ने 2018 में भी चुनाव से पहले इमरान खान को सत्ता में आने से रोकने के लिए पहल की थी। उसी वक्त वो सुर्खियों में आए थे। साथ ही पिछले साल विपक्ष ने उनको विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार भी बनाया था। मौलाना की पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ सरकार ने उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दे रखा था। यानी मौलाना का पाकिस्तान में काफी प्रभाव है और उनको बड़ा धार्मिक नेता माना जाता है। 2018 में जिन चुनावों के बल पर इमरान खान सत्ता में आए थे उनको मौलाना लगातार धांधली वाला चुनाव बताते रहे हैं और तभी से वो इमरान खान के खिलाफ लगातार अपना विरोध दर्ज करते रहे हैं और अब तो खुलकर उन्होंने इमरान खान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके साथ विपक्षी दलों का समर्थन भी है। इसलिए ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। मौलाना ने 27 अक्टूबर से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया है। यानी मौलाना का कहना है कि सभी कार्यकर्ता इस्लामाबाद के D-Chowk पर जमा होंगे और हमारा ये मार्च और विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इमरान खान का खात्मा नहीं हो जाता है। हालांकि मौलाना की तैयारी से घबराए हुए इमरान खान ने अपनी पार्टी से मौलाना से बातचीत करने के तरीके खोजने को कहा है लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही, इसलिए सरकार डरी हुई है। लोगों को भी 2014 का वो मंजर नजर आ रहा है जब आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के विपक्ष के नेता इमरान खान ने इसी D-Chowk पर आकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था और पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया था और अब फिर वही मंजर खुद इमरान खान की आंखों के सामने तैर रहा है। लेकिन इस बार बगावत उनके सरकार के खिलाफ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।